हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहाँ, गुड इवनिंग हो रही है। कैसे हो आप सब लोग? अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बजे हैं और दिल्ली में हालत देखो कितनी बुरी हो रही है। इतनी बारिश हो रही है, तब से ना सुबह से आज रुक रुक के, सुबह थोड़ी सी हुई और सारी रात होती रही और अब शाम को फिर शुरू हो गई है। बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है और ठंडा हो गया एकदम दोबारा मौसम। मैंने तो स्वेटर वेटर सब धो के रख दिए थे और लेकिन फिर दोबारा ठंडा हो गया, फिर दोबारा निकाल लिए। और ये है, और आप सबका रॉयल फिट चैलेंज कैसा चल रहा है ज़रूर ज़रूर बताना। मैं तो कल किट्टी में गई थी ना, तो उसकी वजह से मेरा जो है वो हो गया, वेट बढ़ गया। अभी मैं अपना चार्ट दिखाऊँ, मैंने जो वेट वेट लॉस का जो चार्ट बनाया हुआ है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो अभी दिखाते, पहले थोड़ी सी बातें कर लेते फिर दिखाती हूँ अभी उधर। हाँ, और एक मिनट रुको। और सुनाओ, आप सबका वेट लॉस चैलेंज कैसा चल रहा है? वेट लॉस नहीं, रॉयल फिट चैलेंज। मैं तो ना वो स्टार्ट किया था तो कल किट्टी में गई थी, तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी वेट बढ़ गया। अभी मैं दिखाऊंगी आपको जो मैंने चार्ट बनाया था, इतना अच्छा मैं लूज़ कर रही थी। लेकिन बाहर जाओ ना, कुछ भी खाया पिया जाता है जिसकी वजह से दोबारा बढ़ जाता है। पर फिर भी घर में मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ कि कब कब क्या क्या चीज़ें खानी है, मॉर्निंग में क्या खाया, आफ्टरनून में, इवनिंग में, सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। इवनिंग में तो अभी खाऊँगी बाद में, तो ठीक है। तो अभी मैं वो वेट का जो मैंने चार्ट बनाया हुआ ना वो कर रही हूँ। और अभी आज ना मैं एक हैबिट ट्रैकर भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना मेडिटेशन करने का, सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे मेडिटेशन करना है, पर वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। उसका मैं आज चार्ट हैबिट ट्रैकर बनाऊंगी और बनाऊंगी। देख बारिश आ रही है हल्की, किसी फ़ोन के ऊपर गिर रही होगी, अभी जल्दी बंद करती हूँ। और एक मैं बनाऊंगी, वो मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, 10-15 मिनट एक्सरसाइज करनी घर में होती है, वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसका भी मैं स्टार्ट करूँगी कि दिन में घर में कम से कम 10 मिनट निकाल लूँ एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं जैसे जैसे जो जो करती रहूँगी, अभी जो मैं नहीं कर पा रही हूँ लेकिन जैसे जैसे वो मैं करूँगी वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इसी बात पे फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और भी बहुत सारे लोगों को, सबको बोलो ना रॉयल स्टाइल व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें क्या कहते हैं जो भी खा रही हूँ ना वेट लॉस के लिए वो सब मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हम सब साथ मिलके वेट लॉस करेंगे और हेल्दी रहेंगे। अब देखो आजकल ये कोरोना वायरस कितना ज़्यादा चल रहा है ना। आज मैंने दोपहर में एक बहुत अच्छा डिटॉक्स जूस पिया था। तो ये जो भी चीज़ें हम अच्छी अच्छी खाते हैं ना, ये सारे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करती है। तो जितना स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी होगी उतना ही हमें बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें या जो भी अनहेल्दी एटमोसफियर में जो भी चीज़ें हैं वो सबसे हमारे आपको, हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड ये नहीं कि हमें पतला कर रहा है, हम वेट लॉस के लिए खा रहे हैं, वैसे भी हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो हमें हमेशा, अभी जो मैंने दोपहर में डिटॉक्स जूस पिया था ना उसका भी अभी शेयर करूंगी, मॉर्निंग में जो खाया, इवनिंग वगैरह जो जो भी सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये देखो मैंने इस तरीके से बनाया है अपना वेट लॉस चैलेंज का लिए, रॉयल फिट वेट लॉस चैलेंज, मार्च वेट लॉस चैलेंज, जिसमें मैं मीशा मेरे को चेक करती है हमेशा। ये जो है 2 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था और 2 मार्च को मेरा इतना था, फिर इतना हुआ पास और फेल, ये और ये, यहाँ तक देखो 5 मार्च तक मेरा बिल्कुल सही जा रहा था। लेकिन 5 मार्च को मेरी किट्टी थी, बाहर का खाया पिया गया जिसकी वजह से सीधा 1 kg वेट बढ़ गया, क्योंकि बाहर बहुत ऑयली, मीठा वीठा ये सब चीज़ें खाई जाती है ना, तो उससे वेट एकदम शूट अप होता है। तो है कि पर जितनी जल्दी एकदम शूट अप होता है, एक ही दिन में अगर इतना बड़ा है तो 1 या 2 दिन में बहुत जल्दी फिर वो निकल भी जाता है। तो ये मैंने पूरा इस तरह से अपना चार्ट बनाया हुआ है और सामने ही रखा हुआ है, इसको आते जाते दिखता रहे। तो फिर इस तरीके से अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया, देखो ये कितना पॉसिबल होता है, क्या रहती हैं चीज़ें, साथ साथ आपके साथ में शेयर करती रहूँ। आप भी इस तरीके से ना अपना चार्ट बना सकते हो कि हमें वेट लॉस के लिए करना है, तो सामने दिखेगा ना तो फिर मोटिवेट करता है हमें करने के लिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। गुड मॉर्निंग सेक्सी पीपल, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ ओट्स, थोड़ा सा मिल्क बॉयल किया, उसमें तो ओट्स डाला ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा मूसली डाला, क्योंकि मूसली में ना ये बादाम, ओट्स, किशमिश, ये सब कुछ होता है। और उसके बाद एक एप्पल काट के डाल लिया इसके अंदर। कोई शुगर वगैरह मैं कुछ ऐड नहीं करती, कोई ज़्यादा मीठा खाना चाहता है तो हनी ऐड कर लो, नहीं तो इसी में स्वीटनर हो जाता है। ठीक है, आप भी ऐसे खाना। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। आज हम बनाएंगे बीट रूट जूस, जो वेट लॉस में बहुत ही बढ़िया काम करेगा और इसके साथ साथ ही स्किन भी ग्लोइंग करेगा, और बहुत ही बढ़िया डिटॉक्स जूस है ये। तो हमने इसके लिए एक बीट रूट लिया, एक एप्पल लिया और आधा इसमें नींबू का रस डालूंगी, थोड़े से ग्रेप्स लिए हैं और ये अदरक भी है।
बाकी इसमें काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। तो चलो इसको ब्लेंड करते हैं और इसको बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा बीट रूट जूस बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको पियेंगे। ये अनार भी रखा है थोड़ा सा, ये सोच रही हूँ इसके ऊपर डालूँ नहीं डालूँ, क्या करूँ, ऐसे पी के देखती हूँ पहले। यस, ऐसे भी सही लग रहा है, पर मुझे लग रहा है अनार डाल के ना सही रहेगा। तो ये एक चम्मच के आसपास में डाल देती हूँ इसमें अनार। ठीक है, चलो पीते हैं। तो फ्रेंड्स लंच के लिए बना रही हूँ मैं ये मिस्सी रोटी। ये मैंने ना मार्केट से ही बना बनाया, मिस्सी रोटी का आटा आता है तो वो मंगा लिया, तो एक चम्मच ही लिया ये। और बाकी इसमें मैंने ना दाल पालक की सब्जी बनाई थी, तो उसका पेस्ट मतलब यहाँ सब्जी ना वो तैयार करके रखी हुई है, बस वो उसको मतलब कोई भी आटा वाटा गूंथती हूँ या कुछ भी बनाना है ना, तो उसको एक चम्मच मिक्स कर लिया सब्जी को। तो वो पालक वाली सब्जी है वो इसमें मिक्स कर ली, एक चम्मच ही वाला आटा ले लिया। इस तरीके से अपने लिए रोटी बना ली है, थोड़ा सा ये पराठा टाइप का, मिस्सी रोटी पराठा टाइप का है, तो इसको मैं इसके साथ खाऊंगी, दही के साथ। ये 2-3 चम्मच दही ले लिया मैंने, इसके साथ खाऊंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर काला नमक डाल के। तो चलो ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय, आई लव यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।